एलएसी पर टिका भारतीय सेना का दम। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। लद्दाख की पहाड़ियों पर 20 दिन तक चला पर्वत प्रहार सेना के स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर किया गया कन्वर्ट। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लद्दाख में 14,000 फीट पर पहली बार सेना ने किया युद्धाभ्यास। सेना ने आर्मी चीफ मनोज पांडे को गोगरा हॉट स्प्रिंग से चाइनीज फौज की वापसी की रिपोर्ट भी दी। आर्मी चीफ ने सेना की तैयारियों की तारीफ की। कोलकाता के ट्रांसपोर्टर कारोबारी निसार अहमद खान और आमिर खान के घर पर ईडी की रेड। 17,32,00,000 रुपए कैश बरामद। बैंक कर्मचारियों को नोट गिनने में लगे 16 घंटे। 3 ट्रक में नोट भरकर ईडी ने किया जब्त। कोयला घोटाला के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनके परिवार पर कसा शिकंजा। अभिषेक की सिस्टर इन लॉ मेनका गंभीर को बैंकॉक जाने से रोका गया। इमिग्रेशन ऑफिस ने मेनका गंभीर को हिरासत में लेने की जानकारी दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर को दी। ईडी ने जारी किया था मेनका के खिलाफ लुकआउट नोटिस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज पांचवा दिन। राहुल गांधी आज केरल के प्रसल्ला से करेंगे यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ बढ़ रहे हैं विवाद। जूते और टी शर्ट के बाद अब पादरी जॉर्ज पनैया से मुलाकात पर शुरू हुआ नया विवाद। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान तमिलनाडु के पादरी जॉर्ज पनैया का विवादित बयान, यीशु ही असली भगवान है कहा। राहुल गांधी और जॉर्ज पनैया के खिलाफ दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर भड़का गुस्सा, कहा कि राहुल ऐसे लोगों के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं जो भारत माता को अपमानित करते हैं। बीजेपी ने पादरी पुनैया के बयान को बनाया मुद्दा। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का अटैक, आ गए अपनी लाइन पर, धर्म पर आकर बीजेपी की सुई अटक गई। असम के सीएम ने कहा कि नेहरू के समय में भारत का बंटवारा हुआ और अब राहुल गांधी जोड़ने चले हैं। नेहरू ने झुकिया, उसके लिए पहले माफी मांगे। अमित शाह ने जैसलमेर में राहुल गांधी के टी शर्ट पर किया तंज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की विदेशी सोच से ड्राइव होने वाला यात्रा बताया। जम्मू कश्मीर के गुजर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली खटाना राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब भी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के लिए तैयार। सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज एक दिवसीय गुजरात दौरा। अमरेली में सहकारी संस्थाओं की एनुअल जनरल मीटिंग में लेंगे भाग। अमित शाह दोपहर 3 बजे सोमनाथ जाएंगे, भगवान सोमनाथ के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बागपत और नोएडा दौरा। बागपत में एक स्टेडियम का लेंगे जायजा। सीएम योगी दोपहर 2 बजे नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। शरद पवार फिर चुने गए एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगले 4 साल के लिए पार्टी ने सौंपी कमान। एशिया कप का फाइनल मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बयान, कहा कि टॉस अहम होगा। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली पहले ओपनिंग, बैटिंग पोजीशन को लेकर वीरेंद्र सहवाग की सलाह। BCCI चीफ सौरभ गांगुली ने कोहली को बताया खुद से बेहतर क्रिकेटर। विराट की बल्लेबाजी की तारीफ की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में इंडिया लेजेंड्स के ओर से साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को हराया 61 रनों से दर्द की जीत। भारत के लिए बड़ा झटका, चोटिल रोहन बोपन्ना नॉर्वे के खिलाफ डेविस कप मुकाबले से हटे। स्पेन के कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर जगह बनाई। यूएस ओपन के महिला सिंगल्स की नई चैंपियन मिली। पोलैंड की ईगा स्वातिक और ट्यूनिशिया की ओंस जुबेर के बीच भिड़ंत होगी। रणबीर आलिया के ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन किया धमाल। वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ की कमाई। सनी लियोनी ने फिल्म जिन्ना से किया तेलुगु फिल्म में डेब्यू। टीजर रिलीज होने पर तेलुगु बोलकर लोगों का दिल जीता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।